जन वालों से यही बात करता रहा मैं। क्या कैसे मतलब अभी भी रमन सिंह जी, बृजमोहन जी कालीचरण के बयान की निंदा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते, इनके हृदय में गोडसे ही बसे हुए हैं, मजबूरी में वो महात्मा गांधी की जय बोलते हैं और कालीचरण को इसलिए वो उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। खुल के बोले ना, हम कालीचरण की जो बोले हैं उसके समर्थन करते हैं, है साहस तो बोले, क्यों नहीं बोलते, घुमा फिरा क्यों बात करते हैं। गिरफ्तारी हुई, किस राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में नहीं जाती, क्या तेलंगाना की पुलिस छत्तीसगढ़ में नहीं आती, अभी जो घटना घटी नक्सली इनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ के धरती में, किसने किया, तेलंगाना पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या छत्तीसगढ़ नहीं आई थी, अभी पिछले महीने की बात है, तो कौन सी सहमति लेकर आए हैं, ये बहाना ढूंढ रहे, लोगों को बरगला रहे हैं और विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, कोई गलत कार्रवाई नहीं है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जो पुलिस आई थी वो मध्य प्रदेश की पुलिस कैसे आई थी, क्यों आई थी, किससे पूछ के आई थी, क्या नरोत्तम मिश्र जी इसका जवाब देंगे, सीधा बोले ना, कालीचरण की गिरफ्तारी कारण से उसको बहुत तकलीफ हो रही है, कसमसा गए, पीड़ा बहुत है, बोल नहीं पा रहे हैं। सब भाग के वहीं कह जाते हैं, वो तो वहाँ के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को बताना चाहिए। और ये बात करते हैं 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, 15 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का मंदिर है, कभी सूद ली, कभी गए वो, कभी राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण के बारे में सोचा, 15 साल रहे लेकिन कभी सोचा नहीं उन्होंने, क्या वो अपमान नहीं कर रहे थे, क्या उसमें पहले कार्रवाई होना चाहिए, मांग करें आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो जी। सब लोग सुने हैं, FIR किए हैं, वो खुद वीडियो जारी करके बोल रहे हैं पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई की है, उनको बोले ना गांधी खिलाफ बोलने वाले समर्थन करे और गोडसे जिंदाबाद बोले, वो बोले ना, वो देखिए ये हिंदुत्ववादी हैं, इनको राम से कोई मतलब नहीं, राम के नाम से राम नाम जपना, पराया माल अपना, मंदिर तो बन रहा है कोर्ट के आदेश से, ये तो वहाँ जमीन का सौदा कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ में सारे मंदिरों को तोड़े गए, मकान तोड़े गए, वहाँ जो चारों कोने में जो मूर्तियाँ विराजित थी सबको हटा दिया गया और वहाँ माल बना दिए, तो उनकी निगाह संपत्ति पर है, ये राम के नाम केवल वोट लेने के लिए करते हैं, अब नोट लेने के लिए भी कर रहे हैं, पहले भी चंदा लिए, अब जमीन का सौदा करके किसान से सस्ती जमीन ले रहे हैं और ट्रस्ट को महंगे में बेच रहे हैं, तो राम नाम जपना, पराया माल अपना। और बच्चा आप ट्विटर निकाल के देख लीजिए, सारे कांग्रेसी बोल रहे हैं, सारे कांग्रेसी बोल रहे हैं।